की माला पर जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर वन ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर वन ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है, ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। निल जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया, गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झूठे और महाझूठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं वो सबसे ज्यादा धर्म